अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईद की दावत के लिए मटन कीमा, जो हरी मिर्चों का बनाया है मैंने। तो वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए हरी मिर्चों का कीमा बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने दिल्ली स्टाइल में बनाया है। तो ये देखिए A1 kg मैंने मटन का कीमा ले लिया है, जो मैंने मशीन से अच्छी तरह से बारीक करा लिया है। तो ये देखिए इधर ले ली है मैंने 2 प्याज बड़े साइज़ की, ये रफली चॉप कर ली हैं। और इधर ले ली है मैंने 7-8 हरी मिर्च। मिर्ची ज़्यादा चरपटी नहीं थी, अगर आपकी चरपटी मिर्च हो तो आप कम रखिएगा। तो ये देखिए लहसुन अदरक ले लिया है ये मैंने 2 चम्मच। और ये ले लिए हैं कुछ खड़े मसाले, ये दालचीनी का टुकड़ा, ये लौंग, ये जावित्री, ये बड़ी इलायची, जीरा और हरी इलायची, और ये काली मिर्च। आप इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप गरम मसाला खाते हैं कम या ज़्यादा। तो देखिए कढ़ाई में रख दिया है मैंने ऑयल गरम होने के लिए, तो ऑयल को भी आप अपने हिसाब से रखिएगा कम या ज़्यादा। तो ऑयल को कर लेते हैं अच्छी तरह से गर्म, और जैसे ही गर्म हो जाते हैं हम इसमें डालेंगे हरी इलायची और तेज़पात के पत्ते, और जैसे ही चटक जाते हैं हम इसमें ऐड करेंगे रफली चॉप की हुई प्याज। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए हल्की सी ने कर लेते हैं गोल्डन, प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। तो हम इसमें कुछ आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन हो चुकी हैं, तो इसमें ऐड करेंगे कीमा। तो ये देखिए मैंने कीमा सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं प्याज के साथ में। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीका है और झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। 15-20 मिनट में ये कीमा बनकर तैयार होता है, और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब लगता है। फ्रेंड्स, आप ज़रूर से बनाइएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से प्याज के साथ में मैंने कीमे को भून लिया है। तो ये देखिए अच्छी तरह से भून चुका है। कुछ इसमें हम मसाले डालेंगे, देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर। मसाले की क्वांटिटी आप अपने कीमे के हिसाब से रखिएगा, अगर आपका कीमा कम है तो कम डालिएगा, अगर ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया है कीमे के साथ में। तो इसमें डालेंगे हम सूखे मसाले, धनिया पाउडर, इसमें डालेंगे हल्की सी लाल मिर्च, हल्दी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। लाल मिर्च का पाउडर हम इसमें बहुत थोड़ा सा ही डालेंगे, क्योंकि हमें इसे हरी मिर्चों का कीमा बनाना है। आप चाहे तो लाल मिर्च स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस थोड़ी सी ही डाली है इसके अंदर, ताकि थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए। तो ये देखिए मसाले भी अच्छी तरह से मिल चुके हैं कीमे के अंदर। तो इसे अब ढककर पका लेते हैं हम 10 मिनट के लिए, फिर मैं आपको 10 मिनट के बाद फिर दिखाती हूँ कीमा। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार इसे चला लेते हैं बीच में। तो ये देखिए कीमा अच्छी तरह से बन रहा है। तो देखिए ऑयल भी साइड में आ गया, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, तो ये कीमा ही अपना पानी रिलीज़ करता है, तो इसमें पानी बिल्कुल मत डालिएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही सूखा बनाया जाता है। तो ये देखिए इस टाइम पे डाल देंगे इसमें हरी ये मिर्च जो मैंने कट करके रखी थी। मिर्च की भी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मिर्च डाल के भी अच्छी तरह से चला लेते हैं, और फिर से रख देते हैं इसे 5 मिनट के लिए ढककर। तो ये देखिए 5 मिनट के लिए मैंने इसे ढक दिया है, फिर मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। तो ये देखिए मैं 5 मिनट के बाद फिर से दिखा रही हूँ। तो देखिए हमारा कीमा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़े का लगता है ये कीमा। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया 1/2 कटोरी दही, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप इसकी जगह नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें दही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने दही ऐड की है इसके अंदर। और दही डालकर भी अच्छी तरह से भून लेते हैं कीमे को। तो देखिए 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है इसे, और इस टाइम पे डाल देंगे गरम मसाला जो मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने पीस लिया था और पीस के डाल दिया इसके अंदर। अगर आप गरम मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा।
तो देखिए गरम मसाला डालकर भी अच्छी तरह से भून लिया है मैंने। और ये देखिए हमारा कीमा बिल्कुल बनकर हो गया है तैयार। तो देखिए ऑयल भी देखिए बिल्कुल साइड में आ रहा है और नीचे भी ये देखिए कढ़ाई में लगने लगा है। ये पहचान होती है कि अच्छी तरह से भून चुका है कीमा। तो हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है, तो इसे मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। और ऊपर से डालते हैं हम इसमें जूलियन कटी हुई अदरक, जो बहुत अच्छी लगती है खाने में। और इस टाइम पे डाल देंगे इसमें हरा धनिया, मैं डालना भूल गई थी, आप ज़रूर डालिएगा। तो देखिए डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये डिश आउट मैंने कर लिया है, ऊपर से गार्निश कर दिया है हरा धनिया, हरी मिर्च और साथ में प्याज रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये कीमे की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ऐसी नई वीडियो और लाती रहूँगी मैं आपके लिए, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिए। तो ये देखिए मैं आपको इसे सर्व करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना मज़े का हमारा कीमा बनकर तैयार हुआ है। तो मैंने इसके साथ में पराठे बनाए थे, ये पराठे के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, ये तंदूरी रोटी के साथ खाइए, सभी के साथ बहुत मज़े का लगता है कीमा। तो आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलती हूँ ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।